कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद करते हैं हम सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो जी हमारे घर में सारे सो रहे हैं और ईशा हो गई है, द्रावी हो गई हैं, सारे काम ख़त्म हो गए हैं। बिलाल भी सो रहे हैं, बच्चे भी सो रहे हैं, मैं भी सो रही थी, मेरी आँख खुल गई थी। तो होता यह है कि कभी मुझे बहुत नींद आती है अफ्तारी के पूरी बातों में, सिर्फ सहरी में उठती हूँ, लेकिन कभी ऐसा होता है कि मुझे नींद नहीं आती है, मेरी आँख खुल जाती है। तो मैं जो हूँ अपनी स्किन केयर कर लेती हूँ, हाथों पाँव की केयर कर लेती हूँ। मतलब आप देख लें आधे रोज़े हो गए लेकिन मेरी स्किन आप देखें ग्लो कर रही है। होता यह है कि जब रमज़ान शुरू होती है ना, तो 10 दिन तो हमें होश ही नहीं होता है कि भाई हमने मतलब हम रोज़े रख रहे हैं, हमने कुछ अपना मुंह का भी ख्याल करना है, हाथों पैरों को भी करना है, और बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं क्योंकि ज़्यादा गर्मियों के रोज़े नहीं हैं तो पानी ज़्यादा नहीं पिया जाता, तो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने भी ये ब्लॉग ना आपके लिए मोटिवेशन के लिए भी है कि आप लोगों ने थोड़ा सा टाइम निकालना है अपनी स्किन केयर के लिए, हैंड एंड फीट की केयर के लिए, क्योंकि रमज़ान में हम पार्लर नहीं जा सकते। मेरा प्रोग्राम है जल्दी जाने का, लेकिन नहीं जा सकते, सब लोग नहीं जा सकते। मेरे बच्चे तो माशाल्लाह काफ़ी बड़े हो गए हैं, तो वो लोग अफ्तारी के पूरी बात सो जाते हैं। मैं चाहूँ तो अफ्तारी के बाद पार्लर जा सकती हूँ। तो अभी जो है हम करेंगे अपनी स्किन केयर, ब्लीच वगैरह मैंने नहीं करनी क्योंकि मेरे बाल जो हैं गोल्डन हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, मेरे पास सारा फेशियल का सामान सब कुछ ख़त्म हो गया, कुछ भी नहीं है। मेरे हाथ देखिए आप ब्लैक होते जा रहे हैं, सब कुछ ख़त्म, ना कुछ मैंने की ओर लिया, ना कोई स्क्रब, कुछ भी नहीं है। बल्कि मैंने बिलाल से कहा हुआ कि भाई मेरा तुम चक्कर लगाओ और हिम का लगवाना है, हिम का लगवाओ, कहीं और का लगवाना, जहाँ का भी लगवाना लगवाओ, मैंने लेना है सामान, ठीक है। तो अभी जो हमारे पास कुछ बचा कुचा सामान जो है वो हम निकालेंगे, उसके बाद हम करेंगे स्किन केयर, फेंकने वाली चीज़ें फेंकेंगे ताकि मेरी कुछ ड्राजे वगैरह जो हैं वो खाली हो जाएं। तो सबसे पहले जो है मैं बालों में लगाऊंगी तेल, आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ बादाम का तेल। तो सबसे पहले हम बादाम का तेल लगाएंगे बालों में, हफ्ते में 2 दफ़ा लगा रही हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं होता लगाने का। तो अभी जी बादाम का तेल लगाते हैं, फिर उसके बाद आपको साथ साथ बताती हूँ आप लोगों के लिए मोटिवेशन के लिए वीडियो। आप लोग चाहें तो ये सब कुछ चंद चीज़ें कर सकते हैं। मुझे पता है काफ़ी लोगों के पास सामान नहीं होता, काफ़ी लोग नहीं खरीदते, कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं करते, लेकिन चंद चीज़ों से बालों में तेल लगाना, हाथों पाँव को साफ रखना, नेल्स को साफ करना, ये एंकल्स नकल्स हमारे काले हो जाते हैं, इनको साफ रखना, ये तो कर सकते हैं हम। चलते हैं, सबसे पहले तेल लगाती हूँ मैं जी। तो तेल मैंने लगा लिया है, तेल मैंने यूज़ किया ये वाला आलमंड ऑयल, ठीक है, इस तरह का कुछ। तो ये मैंने लिया था रहीम से, यहाँ पे कोई टैग नहीं होगा। ये है लाइफ कैमरा, क्लोज नहीं कर रहा, लाइफ स्टाइल का नाम है इसका, कंपनी का, जो मैंने यूज़ किया काफ़ी अच्छा है, मुंह पे भी यूज़ हो जाता है ये और सर में भी यूज़ हो जाता है। इतना जो है मैंने यूज़ कर लिया है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। ये है जी एक अंडा, इसको हम लगाएँगे सर पर, अंडे में मिक्स करेंगे दही और लगाएंगे सर पे और बांधेंगे शोपर, शोपर बांध के मैं आपको अपना सर दिखाऊंगी। मतलब कि एक अंडा है अपने बालों के हिसाब से, अब दही मिक्स कर ले, मैं सिर्फ 2 चम्मच दही डालती हूँ, थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप लेमन के, लेकिन मेरा लेमन ख़त्म हुआ है तो मैं लेमन नहीं डालूंगी, तो खाली अंडा डालूंगी और 2 चम्मच दही का डालूंगी। फिर पानी ज़्यादा ना निकलने लग जाता है, क्योंकि मुझे 1 घंटा लगेगा स्किन केयर में, तो पानी फिर जो है ना बालों में से इतना बहता है कि गर्दन सारी अंडा हो जाती है। अंडा निकाला है मैंने प्लेट में, इसमें डाली है इतनी सी दही, मैंने कहा मैं आपको दही दिखा दे ताकि आपको क्वांटिटी का जो है अंदाज़ा हो जाए। इसको मिक्स करेंगे और लगाएंगे। अच्छा ये ना यहाँ से जो आपको नज़र आएगा मेरी प्लेट जली हुई है, मैंने कबाब जो है माइक्रो में लगाए थे तो मेरी प्लेट जल गई थी, तो ये मैंने अलग रखी हुई है। मतलब ये 3री बार रमज़ान में मैं बालों में दही अंडा लगाने लगी हूँ, मतलब आज 3rd टाइम है, ठीक है। तो मैं इसी प्लेट में यूज़ करती हूँ, मैंने अलग से सीढ़ियों में रखी होती है, जो मेरी छत की तरफ सीढ़ियाँ जाती हैं, मैंने वहाँ पे अलग से प्लेट रखी हुई क्योंकि जली हुई है, वरना अंडे की स्मेल हो जाती है। यही हाथ जो है हाथ से लगाना होता है अंडा, फिर ये हाथ बालों में लगेंगे, ब्लेड में लगेंगे, बालों में लगेंगे, ब्लेड में लगेंगे, इसलिए अलग से प्लेट रखी हुई है एक। तो शोपर जो है मैंने बांध लिया सर पे, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, वो है जी हमने बनाना है पॉलिशर। ब्लीच नहीं है मेरे पास, फेस पे नहीं करूँगी, हाथों पे करूँगी, पाँव पे करूँगी और गर्दन पे करूँगी। किस चीज़ों के साथ बनाऊँगी ये मैं आपको दिखाती हूँ अभी। तो मैं आगे वॉशरूम में ब्लीच हम बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। ये मैंने ले ली है अपनी ब्लीच, ये बूस्टर है, बूस्टर बहुत चीज़ होता है, आपने ब्लीच में थोड़ा सा डालना है, मतलब थोड़ा सा मतलब कि आपने हाथों में और पैरों के साथ भी डालना है, ज़्यादा डाल लें, मतलब क्वांटिटी आपने हाथों की पैरों की और गर्दन की रख ली है, ये डाल लिया। 2-3 लोशन डालेंगे ताकि ठंडा ठंडा सा इफेक्ट आए, सादा डाल लें इनको। शाइनर को डलता है, शाइनर डलता है हमारे ड्राइनेस के लिए, जब हमारी स्किन जो है हम अक्सर ब्लीच करते हैं तो यहाँ से हमारे ड्राई ड्राई पैचेस पड़ जाते हैं, शाइनर हम डालेंगे ताकि हमें ड्राई पैचेस ना पड़े। और पाउडर जो मेरे पास था क्यूने का,
बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे, जितना आपको समझ आता है कि आपको तेज़ लगता है कम लगता है, मैंने अपनी स्किन के हिसाब से डाला, ठीक है। इसको मिक्स करेंगे, कैप्सूल्स डाल लें, कैप्सूल्स डाल लें, मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं डाल रही हूँ। तो मैं अब इसको लगाऊंगी और फिर उतारूंगी, तो फिर आपको हाथ पाँव दिखाती हूँ। पहले मैं आपको हाथ पाँव दिखाती थी बाहर जाकर, फिर मैं उतारने के बाद दिखाऊंगी। ये है जी भी मेरे हाथ है ब्लीच करने से पहले, मैंने कहा मैं आपको दिखा देती हूँ। किसी भी किस्म का आप पॉलिशर बाज़ार से ब्लीच कर लगा के कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और ये है जी ब्लीच करने के बाद, तकरीबन मैंने 15 मिनट ब्लीच लगाई थी हाथों पे भी और पाँव पे भी, तो ये जी मेरे हाथ भी क्लीन हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ आपने एक और चीज़ की भी सफाई रखनी है, जैसे आपके दांत हैं, कुछ लोगों के दांत पीले होते हैं और मेरे दांत जो हैं पीले हों या ना हों, मैंने हफ्ते में 2 दफ़ा नमक से ज़रूर दांत साफ़ करने, मेजॉरिटी नमक से दांत साफ़ करने। यहाँ पर जी अब बारी है, मुंह पे मैंने लगाया था हल्का सा क्लिंजर और उसको हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा मैंने स्क्रब किया था, स्क्रब नहीं किया था मतलब क्लिंज किया था अपना फेस। तो यहाँ पर जो है मेरा फेस क्लिंज हो गया और उसको मैंने वॉश कर लिया, मतलब 3 मिनट से मैंने इसको क्लिंज किया था, क्योंकि मेरा फेस जो था नीट एंड क्लीन था, तो मुझे ज़रूरत नहीं थी ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें मुँह पर लगाने की। तो ये जी हल्का सा मैंने क्लिंज कर लिया, बल्कि क्लिंजर मेरा ख़त्म हुआ तो उसमें मैंने पानी डाल के जो है थोड़ा सा क्लिंज किया है। तो यहाँ पर जी नीट एंड क्लीन हो गया चेहरा, मैं आपको क्लोज़ करके कैमरा दिखाती हूँ। अब आप मेरे फेस पे निशान देख रहे हैं कि पानी की कमी की वजह से निशान पड़े, क्योंकि अभी जो रमज़ान थे स्टार्ट के वो इतने गर्म नहीं थे कि जिसमें इतना सारा पानी पिया जाए, तो फेस पे जो है छोटे छोटे से पिंपल्स बनने लग गए थे, निशान बनने लग गए थे। लेकिन अब जो है मैंने रूटीन अपनी चेंज कर ली है, बहुत सारा पानी पीना शुरू कर दिया है, तो उससे जो है काफ़ी जो है फ़र्क आ गया था, ठीक है। ये जी एक दिन की रूटीन होगी, अब ये 2 से 4 दिन की बात। अब आप देखिए मेरी आईब्रो के दरमियान में जो है एक और निशान आ गया है, ये दाना नहीं है, इसमें दर्द नहीं है, बस हल्के हल्के से शान जो है पड़ने लग रहे थे। यहाँ पर जी मैंने लगाया है रोज़ वाटर, रोज़ वाटर दिन में 2 बार मैं लगा रही हूँ रमज़ान में, ताकि स्किन जो है ड्राई ना हो। यहाँ पर जी मैंने किसी और दिन लगाया था अपना गोल्डन मार्क्स, यहाँ जी गोल्डन मार्क्स लग गया है। अब इसको स्पीड के साथ हम उतारेंगे, बिल्कुल बारीक लेयर मैंने लगाई है गोल्डन मार्क्स। आपको जो भी पसंद है वो यूज़ कर लें, मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ गोफर ग्लो का, क्योंकि मुझे वो अच्छा लगता है। मैंने बिल्कुल थिन लेयर लगाई है। अब आप देखिए इसने ऐसा ज़बरदस्त उतरना है कि फेस, अच्छा गोल्डन मार्क्स से क्या होता है, गोल्डन मार्क्स से जो आपके फेस पर निशान वगैरह होते हैं ना, वो भी लाइटन हो जाते हैं। ये जो कुछ इस तरह से मेरा गोल्डन मार्क्स उतर गया। अब आप मेरी नोज़ देखें, वो एकदम से जो है शाइन करने लग गई है कुछ इस तरह से। ये है जी अभी किसी और दिन का क्लिप, यहाँ पे मैंने लिया था सूथिंग लोशन ठंडा ठंडा सा, इसमें से मैंथोल होता है इसमें, और ये जी हमने लगाया अपने फेस पे। इससे क्या होता है हमारे जो फेस पे छोटे छोटे निशान वगैरह होते हैं वो सारे ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता से लाइटन होते हैं। ये मैं मसाज कर रही थी डेली, क्योंकि मेरे फेस पे पानी की कमी की वजह से बहुत ज़्यादा निशान पड़ने शुरू हो गए थे। तो मैंने कहा इससे पहले मुंह का ज़्यादा बुरा हाल हो जाए, इसको मैं तकरीबन 1 हफ़्ता यूज़ कर लूँगी, तो मेरे जो हैं फेस के निशान आहिस्ता आहिस्ता कम होने लग जाएंगे। वो कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, तो मेरे फेस पर अब कोई भी निशान नहीं है। अब यहाँ पर भी आप लोगों को निशान कम ही नज़र आएंगे, क्योंकि मैंने 2 से 3 बार जो है इसको यूज़ कर लिया था, और फिर उसके बाद जो है मैंने ये वाला पार्ट रिकॉर्ड किया था। इसका 3 से 4 मिनट आपने मसाज करना, ज़्यादा मसाज नहीं करना। यहाँ मेरी आईब्रो के पास ज़्यादा निशान बन रहे थे। ये जी मेरा आइज़ मसाज, जिसकी जो मैं ये आइज़ मसाज करती हूँ डेली किसी भी क्रीम के साथ, किसी लोशन के साथ, या इस तरह से किसी फेशियल के प्रोडक्ट के साथ, ठीक है। आपने भी आइज़ मसाज ज़रूर करना है, वरना आइज़ पर आपकी लाइन्स पड़नी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हम लोग खुद फेशियल करते हैं, जिसकी वजह से हमारा फेस जो है आहिस्ता आहिस्ता ढलकना शुरू हो जाता है, मतलब स्किन ना नरम पड़ के नीचे की तरफ आ जाती है। तो ये जी हो गया है हमारा फेस क्लीन। अब हम जाएंगे किसी और दिन की तरफ, मतलब नेक्स्ट डे की बात है ये, जिसमें मैंने ये जो है मेरा ज़ाफ़रान वाला फेस वॉश है, ये मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ, कोई भी फेस वॉश नहीं यूज़ कर रही, बस ये वाला फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ वीक में 2 बार। इसके साथ इसके में लगे हुए हैं ऊपर प्लास्टिक के ब्रिसल्स लगे हुए हैं, इससे क्या होता है हल्के से हमारा फेस जो होता है ना डर्ट पोल्यूशन हमारे फेस में गया होता है, और जो हमारे ओपन पोर्स होते हैं उसमें ऑयल चला जाता है किचन में बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से, तो वो जो है इसको अच्छे से नीट एंड क्लीन करता है। प्लास्टिक के ब्रिसल्स इतने आराम आराम से हमारे फेस को अच्छे से मसाज कर देते हैं, ब्लड सर्कुलेशन इसमें अच्छी हो जाती है इस वाले ब्रिसल्स की वजह से, तो वो फेस जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाता है। अब आप मेरे फेस पर देखिए जो आईब्रो के दरमियान में निशान था वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अब बस हल्का सा कुछ रह गया है जो कि ज़्यादा मुँह धोने के बाद नज़र आने लग जाता है, मतलब जब आपका फेस ज़्यादा नीट हो जाए ना तो आपके जो निशान होते हैं वो बाजी होने शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए हल्का सा फिर आप इसको क्रीम वगैरह लगा के उसको निशानों को भी ख़त्म कर सकते हैं।
सकते हैं, ये जी मैंने हल्का सा अपने हाथ के साथ मसाज किया और फेस को जो है वॉश कर लिया, ठीक है, पानी के साथ फेस को वॉश कर लिया। इसके ऊपर कुछ भी लगाने की ज़रूरत, मतलब इसके बाद कोई भी टोनर वगैरह कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस सिंपल आपने क्या करना है, पंखे के नीचे अपना मुंह जो है ड्राई होने देना है, मतलब टॉवल वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करना, पानी को स्किन में एब्जॉर्ब होने देना है। ये जी मेरी स्किन की हालत है, अभी आप देख रहे हैं क्लोज कुछ इस तरह का हिसाब है। फिर जी आ गया कोई और दिन, मतलब 3 से 4 दिन बाद हमने किसी दिन टोनर लगा लिया। सिर्फ हमने कभी वो नहीं लगाया अपना रोज़ वाटर, तो उस दिन जो है हमने फेस पे लगा लिया टोनर और टोनर लगा के जो है हम सोएंगे। तो ये थी जी मेरी स्किन केयर, उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।